तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जिंक्स यूट्यूब चैनल और मेरा नाम रूपेश। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जैसा सबको पता है कि 7 किस्तें जब से स्टार्ट हुई है योजना, 7 किस्तें आ चुकी हैं, 8वीं आने वाली है। तो उसी के बारे में कुछ अपडेट है कि इस डेट को आ रही है, कब आ रही है, कैसे कैसे क्या, पूरी बात इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम बात करें, जैसा आप लोगों को पता होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हमको 2000 रुपए 4 महीने पे मिलते हैं, यानी साल के हमको 6000 रुपए मिलते हैं और हमारी 3 किस्तें 1 साल में आती हैं। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई एक योजना है, इसमें आप भी आवेदन कर सकते हैं। यदि अभी नहीं आप लोग किए हैं तो आवेदन अपने नजदीकी सहज जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी वगैरह सारा कुछ वहां से आपको पता चल जाएगा। आज हम बात करेंगे 8वीं किस्त के बारे में। जैसा आप लोग को पता है 7 किस्तें ना अब तक आ चुकी है। इस वीडियो में भी बात करूंगा कि जिन लोगों के पैसे नहीं है उन लोगों के लिए जो सलूशन है वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों काफी लोगों के नाम, लगभग 30 लाख लोगों के नाम यहां पे निकाल दिए गए हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना से, जो लोग फर्जी तरीके से पैसे ले रहे थे। लेकिन जिन लोगों का नाम बिल्कुल वाजिब है, ओरिजिनल, वो लोग अभी जो लोग हैं यहां पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, जो लोग अभी मतलब एक्टिव हैं, उन लोगों की किस्त कब आएगी आई मैं बताता हूं, ठीक है। तो दोस्तों उन लोगों के लिए कुछ अपडेट आई है, मैं ले चलूंगा आपको जी न्यूज की साइट पे, और यहां पे आप देख पाएंगे ना जो यहां पे अपडेट आई है पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। आपको यहां पे मैं बताने वाला हूं कि यहां पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त के बारे में अपडेट करता हूं। यहां पे देख सकते हैं लिखा है मार्च में आने वाली अगली किस्त, आप अपना आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, सिर्फ 2 मिनट में ऐसे चेक करें। इस साइट पर कुछ इस तरह दिखा रहा है, देखिए लिखा है किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 8वां किस्त जल्द जारी होने वाली है। सरकार मार्च के अंत तक यहां पे पीएम किसान की 8वीं किस्त जारी कर सकती है। 20 दिसंबर 2020 को इस योजना की 7वीं किस्त जारी की गई थी। 20 दिसंबर को यहाँ पे 7वीं किस्त सब लोग की आ गई थी। और यहाँ पे आपको और डिटेल से बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जल्द जारी होने वाली है। सरकार मार्च के अंत में पीएम किसान की 8वीं किस्त जारी कर सकती है। 20 दिसंबर 2020 को इस योजना की 7वीं किस्त जारी की गई थी। इस स्कीम के तहत जरूरतमंद किसानों को साल के 6000 रुपये दिए जाते हैं, जैसे आप लोग को पता है। और किसानों को 3 किस्तों में कितनी मिलती है रकम, सारा डिटेल नीचे दिया गया, पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं ना, यहाँ पे मतलब मार्च महीने के अंतिम तक यहाँ पे यानी हमारा 20 मार्च के बाद सबके खाते में पैसे यानी स्टार्ट हो जाएंगे 8वीं किस्त के। यदि दोस्तों आपके पैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई आपके आपके अकाउंट से रिलेटेड वहाँ पे दिक्कत होगी, या तो आपका अकाउंट नंबर गलत होगा, या दोस्तों जो बायोडाटा भरेंगे गलत होगा, तो कोई ना कोई मिस्टेक होगा। तो आपको क्या करना होगा, हर एक तहसील पे एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक अधिकारी वहाँ पे नियुक्त हैं, आप जाके उनसे कॉन्टैक्ट करके ना आप अपनी जो भी यहाँ पे आपका मतलब दिक्कत है, परेशानी है, वहाँ पे उसकी सहायता ले सकते हैं। हर एक तहसील पे जिसे सब डिस्ट्रिक्ट कहते हैं वहाँ पे जाके ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों एक दिन आप टाइम निकाल के जाके अपना वहाँ पे सारा कुछ क्लियर करवा लीजिए, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं कराएंगे आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे, उसके बाद पैसे आने स्टार्ट होंगे जाएंगे, जो भी समस्या उसका यदि निदान आप कर देते हैं, जो डॉक्यूमेंट वगैरह देना रिक्वायरमेंट जो है अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ सही करवा दिए, आपके खाते में पैसे आने लगेंगे। तो दोस्तों आप अपने नजदीकी जो आपकी तहसील है ना, अपने तहसील पे जाके ऐसा कुछ कर पाएंगे, सारा कुछ सुधार कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं, फाइनल इस वीडियो में यही बताएं कि आपकी जो किस्त है ना यहाँ पे मार्च महीने के आखिर तक आना स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आए होगी, यदि पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।